पीएम मोदी ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, 51,000 युवाओं को मिली नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले युवाओं को अलग अलग विभागों में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के रायसेना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। रोजगार मेला के तहत देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े युवाओं को 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे हैं। बता दें कि देश भर के 46 स्थान पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्तियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की नियुक्तियों में महिलाओं की संख्या भी अधिक है। ये नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। आज का समय वो है जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस दौरान युवाओं को कई अवसर मिलेंगे। बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर 51,000 से अधिक युवाओं को दिए गए हैं। युवाओं को यह नौकरियां कई विभागों में मिली हैं। जानकारी के मुताबिक नए कर्मचारियों की भर्ती भारतीय डाक विभाग, भारतीय लेख परीक्षा, लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय और विभिन्न विभागों में की गई है। इसके साथ ही ईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी जारी है, जिसके जरिए नौ नियुक्त कर्मचारी खुद को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए 680 से अधिक ई लर्निंग सिलेबस उपलब्ध है। प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करें।